क्या मेरी प्लेट देख के आपको भी राजमा खाने का मन हो गया मतलब आपको भी ये देख के मन कर रहा है कि आप भी झटपट ऐसा या मैं और टेस्टी सा राजमा बना लें और मज़े से खा लें मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे जैसे राजमा प्रेमी होंगे उन्हें तो बनाने का झंझट भी नहीं करना होगा बस उन्हें लग रहा होगा कि राजमा मिल जाए और खा लें तो यहाँ पे मैंने ये वाले राजमा का इस्तेमाल किया जो थोड़े से वाइटिश दिख रही इसे चित्रा राजमा भी कहते हैं इसके अलावा भी थोड़े कश्मीरी राजमे वो रेड वाले राजमे आते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही लिया और इसे रात भर के लिए मैंने भिगा दिया था उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसे साफ़ कर लिया इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी ये जो नॉर्मल वाली इलायची होती है ना छोटी इलायची हरी इलायची ये डाल दिया है मैंने और इसे रख दिया है चार सीटी होने के लिए गैस पे और जब तक उधर हमारा राजमा हो रहा है हमने बाकी की प्रिपरेशन कर लेनी है हमें क्या करना है ना बस रफली तरीके से प्याज कट कर लेने हैं और टमाटर भी हमें इस्तेमाल करना होगा पर राजमा वगैरह में तो टमाटर वैसे भी ज़्यादा लगता है तो अगर आप चाहें तो प्याज कट करके रख लीजिए लहसुन छीन लीजिए और अदरक वगैरह के टुकड़े भी थोड़े से रख लीजिए उसके बाद ना टमाटर को पीसने के बजाय मतलब उसे ग्राइंड करने के बजाय उसे ग्रेट कर लीजिए सच में एक बार ऐसा बना के देखिएगा ना आपकी ग्रेवी की थिकनेस और उसका परफेक्टनेस ना डिफरेंट लेवल का होगा मतलब इस तरीके से जब आप मेरे तरीके से राजमा बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे मतलब मैं सच बता रही हूँ कि ये राजमा इतना टेस्टी मतलब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इतना आउटस्टैंडिंग होगा ना कि जैसे मेरे घर में रू तीन बार खाना पसंद करते हैं वैसे आप भी इसे दो तीन बार तो खाना पसंद ही करेंगे मतलब सेम राजमा लोगों को ऐसी क्रेविंग होती कि मैं क्या ही बताऊँ तो बस सारी तैयारियाँ हमने पहले से ही करके रख ली है और उसके बाद कढ़ाई में डाला मैंने थोड़ा सरसों का तेल उसमें थोड़ी सी मिर्च थोड़ी सी जीरा और इसके साथ थोड़ा सा अदरक भी डाल दीजिएगा और जब ये सब हो जाए ना तो जो कटे हुए प्याज है ना बस जिनको रफली ही कट करना है उसमें कोई टीम ताम नहीं करना है उसे डाल लेना और डालने के बाद ना उसे अच्छा थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेना मतलब इसकी साफनेस वगैरह ख़त्म करके इसे ब्राउनिश कर लेना और थोड़ा सा लहसुन लेना है मतलब ज़्यादा सा ही लहसुन हो गया है थोड़ा लहसन ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा अदरक ले लीजिएगा थोड़े से खड़े मसाले लीजिएगा अपनी पसंद के जो पसंद है वो लीजिएगा जो नहीं पसंद उसे बिल्कुल हटा दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं जो भी मसाले मुझे पसंद थे वो मैंने अपनी पसंद के मसाले ले लिए थे उससे मैंने जिसमें अदरक कूटते ना उसमें कूट लिया था और ये तेज पत्ता मैं डालना पहले भूल गई थी तो इसे मैंने बाद में थोड़ा सा तेल साइड में करके डाल दिया था और ये जो हमारे कुटे हुए मसाले रखे ना ये भी डाल देने mm. देखिएगा मैं ना राजमा की सब्ज़ी बहुत मसालों के साथ नहीं बनाती हूँ लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती ना कि सच में ये सबको बहुत पसंद आती है मतलब मेरे घर में तो ये सबकी बहुत फेवरेट है और राजमा तो मेरा पर्सनल फेवरेट है मतलब राजमा प्रेम जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा राजमा प्रेम किस लेवल का है तो इसके बाद मैंने ना बातों बातों में अपना टमा वो अपना प्याज वगैरह मतलब जो मसाले बना के रखे थे वो सब मैंने भून लिए और फिर इसके बाद जो ग्रेट किए हुए टमाटर रखे हैं हाँ टमाटर की जो स्किन होती है ना वो थोड़ा सा नहीं चाहिए होता है तो बाद में वो थोड़ी सी जब मुंह में भी आता है ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता है तो इसलिए मैंने ग्रेट करना प्रेफर किया था अगर आप चाहते हो तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते उसका कोई इशू नहीं है उसके बाद ना ये टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने सारी सब्जियों के साथ मतलब प्याज वग़ैरह के साथ और इसके बाद ना इसमें इसे थोड़ा सा पका लेना है मतलब थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा अमचूर मसाला मतलब अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला सबकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी ही रखनी है ये सब डाल देना है और डालने के बाद ये मसालों के साथ ना इसे भी पका लेना मतलब इसे एक, एक तरीके की सूखे फॉर्म की ग्रेवी बना लेनी है मतलब आप देख सकते हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी तो ये ग्रेवी फॉर्म में बहुत तो नहीं है लेकिन ये जैसा है ना बस ऐसा ही रखना है मतलब इसमें कोई पानी वानी हमें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और देख सकते हैं कि चार सीटी में हमारे राजमा बिल्कुल परफेक्ट से हो गए इसमें जो थोड़ा सा लौंग वगैरह इलायची वगैरह डाला था ना वो सब आपने हटा लेना है आप चाहें तो इसे भी आप कूट काट के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और सब्जी में या इस वाली सब्जी को अगर आप मेरी तरह ऐसा नहीं है कि आप मल्टी मतलब एक तरफ राजमा

मेरा सीक्रेट होता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि पानी डालते हैं फिर पकाते हैं तो मैं बिना पानी डाले पकाती हूँ शायद इसीलिए मेरा राजमा थोड़ा स्पेशल बनता है या जो भी है मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसलिए मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ उसके बाद ना फिर इसमें जब इसे पकाने के बाद फिर इसमें अपने जिस कंसिस्टेंसी की सब्जी आपको चाहिए उस कंसिस्टेंसी का आप थो, उसे थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए क्योंकि थोड़ा पानी तो वेपराइज भी होगा ना और उसके बाद नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टार्टिंग में राजमा में नमक डाला है तो ध्यान से डालिएगा मैंने नहीं डाला था इसलिए मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग राजमा में नमक डाल दिया और उसके बाद थोड़ी राजमा को ना मैंने फोड़ दिया है मतलब उसकी कंसिस्टेंसी थिक करने के लिए थोड़े से राजमे मैंने स्पून की हेल्प से प्रेस करके इसे फोड़ दिया था जिससे कि ना राजमा की ग्रेवी एकदम परफेक्ट सी बन के आए और उसके बाद आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही टेस्टी सा राजमा मतलब ये पाँच से दस मिनट हुआ होगा ऐसे खुले में मतलब कड़ाही में कुक होते हुए और ये बिल्कुल अमेजिंगली बन के तैयार है तो बन जाने के बाद क्या करना है ना इसमें आपको धनिया की पत्ती डालनी और धनिया की पत्ती के साथ देसी घी डालना बिल्कुल मत भूलेगा मतलब अगर आपने राजमा में देसी घी मस् कर दिया ना तो समझ लीजिए आपने उसके टेस्ट को वन थर्ड डिक्रीज़ कर दिया आप कितना भी बेहतर से बेहतर राजमा बनाते हो लेकिन अगर आपने उसमें देशी घी नहीं डाला ना तो फिर बेकार है मतलब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा घी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता है ना तो मैंने यहाँ पे मतलब एक से डेढ़ स्पून तक घी डाल दिया था बाकी इसके बाद भी मेरे घर में मतलब राजमा की सब्ज़ी में घी ऐसा पसंद किया जाता है ना कि इसके बाद भी सबको चाहिए होता है अपनी अपनी थाली में तो मैंने इतना डाला है कि भाई अपनी हेल्थ का भी मैं पर्सनली ख्याल रखते हुए उस हिसाब से मैंने डाला अगर आपने डालना है तो आप थोड़ा भर के डाल सकते हैं घी सच में बहुत टेस्टी लगता है राजमा में घी और उसके बाद ना बस राजमा बन जाए उसके बाद तो सब्र तो होना ही नहीं है ना फटाफट से लगानी है अपनी प्लेट और मज़े से खाना है और हाँ राजमा और चावल के साथ दही ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना मतलब अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखिए राजमा चावल और दही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है वर्ड का मतलब इससे टेस्टी तो कुछ लग ही नहीं सकता है। तो ये बहुत ही टेस्टी सा राजमा का तरीका जो कि मेरी मम्मा बनाती थी मम्मा से मैंने सीखा और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी सा तरीका मतलब तरीका टेस्टी नहीं है बनने वाली डिस टेस्टी है तो इसे एक बार ट्राई करना तो आप सबके लिए बनता है जिस जिसने पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा है ना अब बस फटाफट नेक्स्ट डे राजमा बना डालिए और फीडबैक बनाने के बाद टेस्ट करने के बाद और अपने घर वालों के अप्रिशिएशन मिलने के बाद दीजिएगा तो बस खाए भी खुश हैं अच्छा लगा तो शेयर करें थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे